20 साल से आप जयगढ़ की सिक्योरिटी टीम में, और एक काम नहीं हुआ आपसे? क्या क्या उदय बन्ना लगा के रखा है? हमें सफाई नहीं, हमें जवाब चाहिए। वो जिंदा है या मर गया है? हमें कुछ हम आपको बाद में फोन करते हैं। जिंदा है या मर गया दादा, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? छोटी, तुम्हें इन सब चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। एनीवेज, तुम स्विमिंग गई थी ना, कितने लैप्स किए? कम ऑन दादा, यहाँ किसी से फोन पे पूछ रहे हैं कि कोई जिंदा है या मर गया है? एंड यू एक्सपेक्ट कि हम आपसे अपनी स्विमिंग डिस्कस करेंगे? दादा, हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से आप बहुत बदले बदले से पेश आ रहे हैं। प्लीज कहिए क्या बात है। छोटी, हमारा यकीन मानो, जो भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हाँ, पर हुआ क्या दादा? छोटी, हमारे हाथों से एक हादसा हो गया, मगर आई प्रॉमिस यू, हम ये नहीं चाहते थे कि वो मर जाए। मर जाए? कौन मर गया दादा? एक रास्ते का कुत्ता था छोटी, गलती से हमारी गाड़ी के नीचे आ गया और मर गया। बस उस दिन से हम थोड़े परेशान से हो गए। अंडरस्टैंड दादा, पर आप ही ने कहा ना कि एक हादसा था और आपने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, तो प्लीज इस बात को लेकर आप गिल्टी मत फील कीजिए। मॉर्निंग भारत माता, आज इतनी बोर हो गई हो कि खुद को एंटरटेन करने के लिए किसी किताब के पन्ने फाड़ रही हो? चिट्ठी लिख रही हूँ, समझ गया ना? ईमेल के जमाने में चिट्ठी लिख रही है, आई टेल यू। ईमेल? ईमेल लिखना तो क्या, उसे ठीक से प्रोनाउंस करना भी नहीं जानती वो तेरी। ईमेल नहीं, ईमेल, ईमेल। ए बेड़ी, मैंने ईमेल के बारे में सुना है, कंप्यूटर के अंदर वो बिना कागज की चिट्ठी को ईमेल कहते हैं, है ना? वाओ, इस जाहिल फीमेल को तो ईमेल के बारे में पता है। तेरे पागलपन की दवाई का टाइम हो गया, जा जाके खा ले। ये बताओ कि आप ये चिट्ठी लिख किसके ले रही हो? आकाश को? राम मिलाए जोड़ी, एक येड़ा और एक पागल घोड़ी। सॉरी, व्हाट? मैं बताती हूँ व्हाट। जब मेरा व्हाट काम करेगा ना, तो तुम सबकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी, क्योंकि मैं ये चिट्ठी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और राज्य के मुख्यमंत्री को लिख रही हूँ। और हाँ, सबसे जरूरी इंसान को तो गिनना ही भूल गई मैं, उस पगड़ी वाले अंकल जी को भी लिखूंगी। और मैं सबको बता दूंगी कि इस महल में रजवाड़े नहीं, लोगों को अगवा करने वाला गिरोह रहता है। कितनी स्टूपिड हो जीजी। महाराणा पृथ्वी जी के आने पर ही तो सारे प्रेस वाले दुम दबा कर भाग गए थे। ओ तेरी, मतलब ये भी माता जी के साथ? करेक्ट। जीएस की उम्र तुमसे 3 गुना ज्यादा है मान्यता, उनके पास तुम्हारे ऐसे हर पब्लिसिटी स्टंट के ना जवाब। मैं भी इनकी पोती हूँ, इस बार उन्हें दिन में तारे दिखा कर ही रहूंगी। हाँ नहीं तो
छोटी, हम जानते हैं कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। इस वक्त तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है। ओके, इतना तो बता दीजिए कि क्या आप सचमुच मान्यता की साइड पर हैं या नहीं। हम उसी की साइड पे हैं छोटी, जहां हमें होना चाहिए। और हम भी उसी साइड पर हैं जहां हमें होना चाहिए उदय बेटा। आपके लिए हमारे पास एक खास खबर है उदय बेटा। महासभा वाले देवगढ़ परिवार से उनकी महासभा की गद्दी वापस लेना चाहते हैं। इस वक्त उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। डैड, आप दादी साहब की मदद करना चाहते हैं? हमने कहा उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं। दोनों बातों में बहुत फर्क है उदय बेटा। और वैसे भी हाल ही में आपने जो मां साहब के खिलाफ इतने गोल खिलाए हैं, उसके बाद हमसे ये सवाल करने का क्या तुक बनता है? इस वक्त सारे सवालों का सिर्फ एक जवाब, राजनीति। महासभा ने बहुमत से यह निर्णय लिया है कि देवगढ़ की विरासत की गद्दी अब आपकी नहीं रहेगी। आप रख दीजिए। मां साहब, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। एक बात कहें आपसे, आखिर में जीत आप ही की होगी। हार और जीत के सही मायने क्या होते हैं, अब तो हम ये भी भूलने लगे हैं। कोमल, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमने जिसे हीरा समझकर तराशना चाहा, वो बस एक पत्थर निकला। कोमल, अपनी पोती के प्यार में अंधे होकर हमने अपने पुरखों की जायदाद, उनकी इज्जत, उनकी गद्दी दांव पे लगा दी। हमसे गलती हो गई कोमल, बहुत बड़ी गलती। आपसे कोई गलती नहीं हुई है मां साहब, क्या आप भूल गए महाराणा पृथ्वी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मान्यता में एक अच्छी राजकुमारी बनने की काबिलियत है, पर वो अब तक अपने दायित्व के अहमियत को नहीं समझ पाई है। प्रिंसेस, हमारे बगैर एक पल नहीं रह जाता तुमसे। अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे तेरी मदद चाहिए। यही तो हम समझा रहे इतने महीनों से, एक हम ही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ज्यादा बकवास न कर वरना वापस चली जाऊंगी। अच्छा प्रिंसेस, बताओ क्या मदद चाहिए हमारी? मुझे ना एक ईमेल लिखवाना है, लिखवा देगा?
अगर हमें पता होता कि आप भी यहाँ पर आ रहे हैं तो हम साथ ही आ जाते। एनीवे, अगर आपकी समाज सेवा खत्म हो गई हो तो आप अंदर आ सकते हैं। जी डैड, बस आई रहे। आइए। अरे तुम अंदर क्यों जा रहे हो? अंदर के बेसन के लड्डू बैठ रहे जो तुझसे खाए बिना रहा नहीं जा रहा। अच्छा प्रिंसेस, बताओ क्या हेल्प चाहिए? वो जो तेरा कंप्यूटर है ना, जिसे तुम अपनी गोद में रखता है, जिसे तू वो हारमोनियम की तरह ऐसे खोलते ना, वो लैपटॉप। हाँ वही। अभी लाए। कभी कभी तो वाकई में हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये लड़की हमारे परिवार का खून हो ही नहीं सकती। जैसे हमारे घर की सुख शांति हमारी खुशियां छीन न माने तक के लिए काफी नहीं था कि अब वो हमारी धरोहर महासभा में हमारी गद्दी छीनने पर तुली हुई है। छीनने पर तुली है लेकिन छीन नहीं पाई है। अगर हम और आप चाहें तो अब भी आपकी गद्दी बचा सकते हैं। गिरिराज खमा गड़ी खड़ी खमा, हम अब भी आपके बचपन के दोस्त हैं पृथ्वीराज। आपकी खुशी में शरीक हो या ना हो, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में आपको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। हम जानते थे कि चाहे सारा जमाना हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए मगर हमारा दोस्त हमारा साथ जरूर देगा। सब आप फिक्र करना छोड़ दीजिए, आपका ये दोस्त सब कुछ संभाल लेगा। अब जल्द से जल्द हमें मां साहब के पास ले चलिए। ये लो प्रिंसेस। अब हम अंदर जा रहे हैं। हाँ हाँ चला जा, वरना सारे बेसन के लड्डू खत्म हो जाएंगे। अरे अपने हारमोनियम को चला के तो जा। प्रिंसेस लैपटॉप ऑन करना आता नहीं, और चलिए ईमेल करने। तुझे रोटी बनाने आती है? रोटी? ऑफ कोर्स नॉट। फिर भी रोज खाता है ना, तो उसी तरह मैं ईमेल भी भेज दूंगी। गल करता है। सबसे पहले तो इसे यहाँ से ऑन करते हैं, उसके बाद जहाँ पे ईमेल भेजना है वो वाली वेबसाइट खोलते हैं। ऐसे। अब देखो, ये हमारा ईमेल अकाउंट है। ये जो यहाँ पे है ना, इसे बोलते हैं कंपोज ईमेल, मतलब चिट्ठी लिखना। तो यहाँ पे चिट्ठी लिखते हैं, और ये एड्रेस, एड्रेस मतलब जिस एड्रेस पे चिट्ठी भेजनी है ईमेल। हाँ, प्रधानमंत्री निवास, और वो बड़े वाले गुलमोहर पेड़ के पीछे, इंडिया गेट के सामने, नई दिल्ली। प्रिंसेस एड्रेस मतलब ईमेल एड्रेस। वैसे तुम्हें प्राइम मिनिस्टर का ईमेल एड्रेस मालूम है? ओ तेरी, मुझे तो नहीं पता। हाय रब्बा, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, इंटरनेट पे सर्च कर लेते। उदयवीर, जहाँ मिले दो सर वहीं जुओं का घर, कितना चिपकेगा। उत्तरी, ये जय घमंड ने तुझे क्या भेजा है? चल खोल के देखते हैं। प्रिंसेस, किसी के ईमेल आईडी में तांगझांग करना बदतमीजी होती है।
जा, दफा हो जा। मुझे कोई ईमेल में भेजना नहीं सीखना। मैं खुद ही जरूरी लोगों को चिट्ठी लिखकर मेरे आकाश को ढूंढ लूंगी। हाँ नहीं तो तंग आ गए हम। ये कोई बच्चों का खेल नहीं मान्यता। आकाश ने एक चिट्ठी लिखी और तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, और अब तुम एक चिट्ठी लिखोगी और उससे रिश्ता जोड़ लोगी। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे ऐसे जिद करने से आकाश लौट के आ जाएगा? आकाश 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 तोते के जैसे रट लगा के रखी है। और तब तक रट लगाती रहूंगी उसके नाम का जब तक मुझे वो वापस नहीं मिल जाता। आप सब उसे मेरे सामने से तो हटा सकते हो और मेरी जिंदगी से कभी नहीं। जा, बड़ा आया नहीं तो। क्या हुआ उदयवीर? डूबते को तिनके का सहारा? तो आखिर तुमने मान ही लिया जे कि तुम सिर्फ एक दिन का हो और कुछ नहीं। इस वक्त हम जो भी है उदय, जैसे भी है, तुम्हारी किस्मत अब सिर्फ हम पर डिपेंड करती है। अच्छा एक बात बताओ दे, तुम्हें हमारा मेल मिला या नहीं? अच्छा सुनो, तुम ना एक काम करो, मान्यता जीजी के लिए अब एक ईमेल आईडी बनाई दो, junglequeen@chol.com। हम अपने जवाब उन्हीं से मांग लेंगे। जे, बस अगर आज के बाद तुमने हमें और कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तो डर गए उदय। हम भी रजवाड़े हैं उदयवीर सिंह, हमें किसी से हुक्म सुनने की आदत नहीं है। हुकुम सुनाने की आदत है। कह रहे जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत बेहतर होगा। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देवगढ़ के सभी MLAs ने हमारा साथ देने का वादा किया है। हमने जयगढ़ के सभी नेताओं से भी बात की मां साहब, लेकिन हमने सुना है कि महासभा में महाराणा पृथ्वी सिंह हमारे साथ नहीं है। बल्कि हमारे खिलाफ दलीलें पेश कर रहे हैं। महाराज, इस नाजुक समय में आप हमारे साथ हैं, इसके लिए हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। महासभा ने कहा है कि वो आज हमें यहां मिलने आ रहे हैं अपना अंतिम निर्णय लेने। यही मतदान होगा और अगर सबकी सहमति रही तो
तो हम महासभा का हिस्सा बने रहेंगे। आप सब महासभा का हिस्सा कैसे रहेंगे, ये मैं भी तो देखूं। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मां साहब की कुर्सी पर बैठ गई? हाँ जी बैठी हूँ। मैं भी देखना चाहती थी कि इस कुर्सी पर बैठने के बाद कैसा लगता है। क्यों माता जी, ये वही कुर्सी है ना जहाँ पर आप बैठ के दूसरों की जिंदगियों का कठपुतली नाच देखती हो। मान्यता, आपकी सारी जायज नाजायज मांगे यही पूरी की गई हैं, मगर अब आप अपनी हदें पार कर रही हैं। जब माताजी ने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की तो फिर मैं उनके लिए क्यों सोचूं? उन्होंने मुझे धोखा दिया, आकाश को मुझसे छीन लिया, और अब जब मैं प्रेस वालों की मदद ले रही थी आपने उन्हें भी भगा दिया। मान्यता, आपको सच में लगता है कि प्रेस वाले आपकी मदद कर रहे थे? वो तो यहाँ सिर्फ एक मदारी का तमाशा देखने आए थे और कुछ भी नहीं। उन्हें आकाश को आपके लिए ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं मान्यता। वो तो यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि आप एक राजकुमारी हैं, और आप एक राजकुमारी होते हुए भरे बाजार में अपनी और अपने परिवार की इज्जत उछाल रही थी। तो फिर आप सबकी सिट्टी पिटी गुल क्यों हो गई? प्रेस वालों को तो भगा दिया पर मेरी आवाज नहीं दबा पा रहे, इसलिए है ना? चाहे कुछ भी हो माता जी, मगर आप जवाबदार हो, और जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता ना, तब तक मैं आपके सर पे बैठी रहूंगी। हाँ नहीं तो, और हाँ, जब वो पगड़ी वाले अंकल जी आ जाएंगे ना, तो उनको मदारी का तमाशा ही नहीं बल्कि सर्कस के नए नए करतब भी दिखाऊंगी। शर्म तो आएगी, मुझे नहीं आप सबको। हमें लगता है मान्यता को कुछ वक्त अकेले रहकर खुद को संभालने की जरूरत है। चलिए हम सब बाहर चलते हैं, महासभा के सभी सदस्य बस आने ही वाले होंगे, उनकी खातिरदारी में हमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। देखा आपने मासा, देखा आपने, इस लड़की की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपकी कुर्सी पर बैठ गई। आगे की सोचिए ब्रजराज,
आज हमारे घर में खास मीटिंग है, महासभा के सभी सदस्य आने वाले हैं। आई नो मिस सर, हम सारा इंतजाम करवा लेंगे। यही इंतजाम अगर आप कोमल के साथ मिलके करेंगे तो ही बेहतर होगा प्रिजराज। आज की मीटिंग हमारे लिए बहुत अहम है। सारे गिले शिकवे पीछे छोड़कर हमें एक परिवार बनकर अपने मेहमानों का स्वागत करना होगा। ठीक है मासा। How dare you? जीएस की कुर्सी पे ऐसे पैर फैला के बैठी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? शुभ्रड़ी गवारनी? सुनाई नहीं देता क्या? सुनना नहीं चाहती? ओ, तो इतनी देर तक नारेबाजी करने के बाद भी मैडम की जुबान नहीं थकी? जुबान नहीं, कैची। ज्यादा बकबक करेगी ना तो छोटे छोटे टुकड़े करके मैदान में फेंक दूंगी। चल भाग यहाँ से। तुम खुद क्यों नहीं ले लेती अपनी एडवाइस? क्यों नहीं भाग जाती हम सबकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए? वैसे भी तुम्हें यहाँ किसी से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। जब देखो तब बस आकाश 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 करती रहती हो, जैसे कि इसके अलावा तो कोई वर्ड आता ही नहीं है तुम्हें। क्यों नहीं चली जाती हम सबकी लाइफ से? क्यों नहीं चली जाती? हमारी फैमिली को तो पता नहीं तुम्हें क्या दिखता है। तुम जैसी बेटी शायद लाखों पाप करने के बाद मिलती है। तुम्हें ना तो किसी का लिहाज है और ना ही किसी रिश्ते की कदर। जिस कुर्सी पर ऐसे पैर फैला के बैठी हो ना तुम इतनी बदतमीजी से, कि तुम्हारी ही कुर्सी है। पर तुम्हें ये कुर्सी नहीं, तुम्हें सिर्फ आकाश चाहिए। इस कुर्सी का मतलब भी मालूम है तुम्हें? यू ब्लडी देहातन। हो गया कि और बोलेगी? आई विश कि तुम हमारी लाइफ में कभी आती ही नहीं। अच्छा खासा वो मुरारी तुम्हें किडनैप करके लेकर गया था। काश वो तुम्हें तब ही मार देता तो हमारी लाइफ बहुत आसान होती। ये जो पार तुम ठुकरा रही हो ना, ये सारी की सारी ताकत, सारी की सारी जायदाद हमारी होती। फिर हमारे भी एक फोन कॉल से लोगों की जिंदगियां बदल जाती। हम भी यूं एक मिनट में प्रेस को रफा दफा कर देते। हमारे भी सामने सारे लोग सर झुकाकर खड़े रहते। Do you understand? तब भी तो माता जी ने तुझे जय कमिनी नाम दिया हुआ है। तू तो इस ताकत के लिए मर रही है, किसी और चीज से तुझे कोई लेना देना नहीं है। तू तो बस लोगों का सर अपने सामने झुका हुआ देखना चाहती है। तुझे देवगढ़ परिवार की इज्जत या उनके रियासत से आधा ग्राम का भी फर्क नहीं पड़ता। चल अब भाग यहाँ से। अब मुझे अपनी प्यारी माताजी के ऑफिस में ना हुड़दंग मचाने दे। मैं भी तो देखूं कि उन्होंने यहाँ कितने सबूत छुपाए हुए हैं। तुम गलत पेड़ पर भौंक रही हो मान्यता। हमें तुम पर बहुत तरस आता है, इसलिए नहीं कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये सोच सोच कर कि तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। युवराज उदयवीर, आप हमारे साथ यहाँ मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं। आपने अपने और हमारे बीच रेखा खींच दी है। इतना ही नहीं, आपने तो अपनी साइड भी चुन ली है।
दो बेटा, आप कुछ वक्त बाहर इंतजार कीजिए। हमें यकीन था कि वक्त आने पर आप हमारा ही साथ देंगे। मां साहब, हमारे परिवारों ने एक साथ कई जंग लड़ी, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे। ब्रिजराज और हमारे पिता दोस्त, ब्रिजराज और हम भी बहुत गहरे दोस्त, और हमें विश्वास है कि हमारे बाद हमारे बच्चे इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। भगवान ने चाह तो ये दिन भी जल्द आ जाएगा। मगर मां साहब, जैसे देवगढ़ की हित की चिंता आपको है, उसी तरह जयगढ़ की हित की चिंता हमें भी है। हम महासभा में आपको पूरी तरह से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? मां साहब, आपसे इस तरह से बात करते हुए हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दरअसल बात यह है कि यदि हम महासभा में आपका समर्थन देते हैं, तो जाहिर बहुत से रजवाड़ों से हम दुश्मनी भी मोल लेंगे। महाराज, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमसे भी जितना बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। हम भी हमेशा आपके साथ ही हैं महाराज। ये बात आप अब कर रही हैं मां साहब, लेकिन सच कहें तो उस दिन जब आपने मान्यता और आकाश के रिश्ते का ऐलान किया था, तो मैं बहुत गहरी ठेस पहुंची थी। उस गलती का खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं महाराज। आप और उदयवीर दोनों जानते हैं कि आकाश और मान्यता का रिश्ता कराने का असल में हमारा कोई इरादा था ही नहीं। हम तो बस मान्यता को अपने काबू में करना चाहती थी, मगर अफसोस आज तक नहीं कर पाए हैं। मां साहब, हम महासभा में आपका पूरी तरह से समर्थन देने को तैयार, बस इस पर आपके दस्तखत चाहिए। ये किस चीज के कागजात हैं? मां साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इतना कहता है कि अब देवगढ़ और जयगढ़ का मुखद्दर एक ही है, कि उदयवीर की शादी अब देवगढ़ की राजकुमारी से होकर रहेगी, वरना देवगढ़ के वारिस की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। हमें मंजूर है, कहिए कहां दस्तखत करने हैं? ऐसे काम मिल जाएगा, फिर उनके बड़े से कबाड़ खाने में सारा दिन रद्दी फाड़ती रहना। तू जाना, जाके किसी और का दिमाग चाट। तुझे फोन बिल ढूंढना है, कुछ ना कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा आज। कचरे वाली भोली भाली, ना 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 ना, भोली भाली तो तुम हो ही नहीं। सॉन्ग कैंसिल, और सुनो अपना पागलपन भी कैंसिल करो। तुम्हें क्या लगता है लोग ऐसे किडनैप करने के बाद ऐसे लिखते होंगे कि हमने एक्स वाई जेड को किडनैप कर दिया है और फलानी फलानी जगह पे छुपा लिया है, और फिर उसी पेपर को ऑफिस के किसी डेस्क में रख देते होंगे? सीरियसली मान्यता, तुम साइको हो, गधी हो, या फिर डॉक्टर के हाथों से फिसल गई थी पैदा होते ही? टेल मी। जो भी गाली देनी है दे दो, पर
पर मुझे आकाश को ढूंढना ही ढूंढना है। मान्यता, नानी साहब ने कहा है ना कि उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? तो फिर किसे पता है विजय भाई? आप ही बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? चुपचाप बैठे रहते या फिर सच जानने की कोशिश करते? मुझे तो डर लग रहा है, काश किस हाल में होगा, कैसा होगा, और ये सब कुछ तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मानेगा, रजवार अपने आंसू ऐसे नहीं बहाते, खुद को संभालो। नहीं संभाला मुझे खुद को, पागल ही रहना है, जंगली रहना है ऐसे। जब तक मुझे मेरा आकाश वापस नहीं मिल जाता ना, तब तक बस कलेश ही कलेश करना है। हाँ नहीं तो आने आई हूं कि काम लड़की क्या क्या कर सकती है और उसके पास कितनी ताकत होती है। मान्यता बस बहुत हुआ तुम्हारा ये तमाशा, डैड और दादी साहब कोई जरूरी काम से अंदर हैं। अच्छा, किसी और को अगवा करने की प्लानिंग कर रहे? तो तू यहाँ क्यों खड़ा है? तू वो लड़की नहीं क्या? और वैसे भी तेरी शक्ल इतनी लटकी हुई क्यों है? और हाँ, मुझे ना तेरे कंप्यूटर और हारमोनियम की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा सड़ मत। सड़ाऊंगी तो अब मैं माता जी को, जब तक मुझे मेरे जवाब नहीं दे देती ना तब तक सड़ाती रहूंगी। हाँ नहीं तो मान्यता बस चलो हमारे साथ, हम देंगे तुम्हें तुम्हारा जवाब। तेरी, तू? चलो हमारे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। देवीर, ये क्या है? तुम्हें प्रिंसेस नहीं बनना ना मान्यता, तुम अपने परिवार वालों से नफरत करती हो, राइट? तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें समझते नहीं, तुम पर जुल्म करते हैं। उन्होंने आकाश को अगवा करवा लिया और ना जाने क्या क्या अत्याचार करते हैं तुम पे, है ना? जवाब दो मान्यता, या फिर जवाब मांगने का हक सिर्फ तुम्हें ही है। तुम्हें सारे सवालों के जवाब अभी के अभी चाहिए ना? ये क्या इंसान बक रहा है तू? और तू मुझे यहाँ पे क्या दिखाने लेके आया है? अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम तुम्हें क्या दिखाने लगे थे। सुअर कहीं का? क्या बकवास की जा रहा है? तुम्हें हम सबको दिखाना था ना कि एक आम आदमी की ताकत क्या होती है। अब कहो इन लोगों से कि तुम्हें बचा के दिखाएं। बचा के दिखाएं? किसको देवी? We'll be right back.
नाम से। अजगर सब बोले दूर हट मुझसे। कोई है, कोई मेरी मदद करो, इस कमीनी से बचाओ। ये तो युवराज उदयवीर सिंह है ना, और वो राजकुमारी मान्यता। छोड़ना, उनके घर के लोगों का लपड़ा होगा। खाली पीली ऐसे बड़े लोगों से पंगा नहीं लेने का। सही बोलते हैं। कोई नहीं आएगा प्रिंसेस। अगर ये लोग अपनी मुश्किल भरी जिंदगी से वक्त निकाल पाते तो ये भी तुम्हारी मदद करते मान्यता, मगर इन लोगों की अपनी बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती तो आकाश को ढूंढने में तुम्हारी मदद क्या खा करेंगे। और तुम हो कि अपने ही घर में धरना दे रही हो ये सोच के कि ये लोग तुम्हारे परिवार के अगेंस्ट जाके तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये सब भाषण देने मुझे यहाँ पे लेके आया है? सबक सिखाने। अच्छा, तो ये तेरा तरीका है सबक सिखाने का? क्या है ना प्रिंसेस, तुम पर आम तरीके काम नहीं करते। और जहां तक बात सबक सिखाने की है तो सबक तो बस अभी शुरू ही हुआ है प्रिंसेस। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने जा रहे प्रिंसेस। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम चाहे जैसे भी हैं किसी भी लड़की को बिना उसके इजाजत के कभी हाथ नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते थे प्रिंसेस कि ये जो तुम राजमहल में नारे लगा के मीडिया इकट्ठा कर रही हो ना, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवा रही हो, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे राजकुमारी लगा हुआ है। मगर यहां तुम सिर्फ मोनिया हो, सिर्फ मोनिया। यहां ना तो प्रेस को, ना पुलिस वालों को, और ना ही इन लोगों को तुमसे कुछ फर्क पड़ता है। झूठ! ये सब लोग मेरे अपने हैं और इन लोगों को मेरी परवाह है। वाह मान्यता वाह, ये लोग तुम्हारे अपने हैं लेकिन वो लोग जो राजमहल में बैठे हैं वो तुम्हारा अपना खून, वो कुछ नहीं। कितने समझदार हो ना तुम, कितनी हमदर्दी है ना तुम्हारे दिल में, लेकिन सिर्फ अम्मा के लिए, चिक्की के लिए, सोने के लिए। लेकिन दादी साहब, तुम्हारी अपनी माँ, अपने पिता, उन्हें किस बात की सजा दे रहे हो तुम? सिर्फ इस बात के लिए कि वो तुम्हारा अपना परिवार है। पिछले 16 साल से उन्होंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, इसलिए तू ना, तू ज्यादा हीरो मत बन। तू जिन लोगों की तरफदारी कर रहा है ना, उन सब ने मुझे धोखा दिया है। और तू उनके ग्रुप का रैंक मास्टर, धोखे पास नंबर 1। तुम ना सब एक जैसे ही हो, मतलबी कहीं के। मतलब हम मतलबी? अगर हम मतलब ही है ना मान्यता, तो तुम भी कुछ कम मतलब ही नहीं हो। वैसे हमें पसंद नहीं करती लेकिन फिर भी हमसे बात जरूर करती हो। हमारा लैपटॉप, हमारी गाड़ी, हमारे नाम का इंश्योरेंस लेके पुलिस स्टेशन जाती हो ताकि तुम्हारा काम निकल जाए, और फिर ये दिखाती हो जैसे ये सारा काम तुमने खुद किया हो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों की जगह हम तुम्हारी हेल्प इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम कोई आम आदमी नहीं है,
हम युवराज उदयवीर सिंह हैं। युवराज उदयवीर सिंह, अपनी आंखें खोलो मान्यता और जरा अपने आसपास देखो। लोग आकाश को बुलाकर आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि इनके पास भी तुम्हारी तरह इस मामले में और कोई चॉइस नहीं है। मान्यता, इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी मुश्किलें आती हैं कि उनके पास एक राजकुमारी मान्यता की तरह लॉन में बैठ के आकाश का नाम जपने का टाइम नहीं है। मैं जानती हूँ, ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा है ना क्योंकि तुझे आकाश ने चिढ़ मचती है। यू नो व्हाट मान्यता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बैठो यहाँ पे और करती रहो जिद आकाश को ढूंढने की। देखते हैं तुम्हारे परिवार के नाम के बिना कौन करता है तुम्हारी मदद। ये है ब्रजराज की छोटी बेटी जयनंदिनी और ये है युवराज विजेंद्र सिंह मेनका के बेटे। खुश रहिए आप लोग। मृणालिनी देवी, आपकी युवरानी सा नजर नहीं आ रही है। हुकुम, आप तो बातों में लग गए। वैसे हमारे ननिहाल में सब कैसे हैं? अरे आपको सब वहां बहुत याद करते हैं कोमल, आप जरूर आइए वहां पर। जी, यहां पर इतना कुछ काम पड़ा है कि हम वक्त ही नहीं निकाल पा रहे। बस इसीलिए यहां पर आ गए, आपकी मुश्किलें आसान करने। आइए ना, आइए आप लोग। आइए बेटा। माफ कीजिए मृणालिनी देवी, अंदर सिर्फ युवरानी सा जा सकती है, घर के बाकी बच्चे नहीं। महासभा में महाराज महारानियां और उनके वारिस ही जा सकते हैं। जी, आप यहीं रुकिए। कोमल आइए। सिमुस काने मुझे
मुझको सुला के जाती है, मिलना नहीं है मुमकिन, इतना बताओ लेकिन हम फिर मिले क्यों है। तुझको बुला ना पाऊं, तुझको भुला ना पाऊं, ये सिलसिले क्यों है। सब बाबा कुछ वही है पर कुछ कमी है, तेरी आहटे नहीं है, सब कुछ वही है। आप एक राजकुमारी हैं मान्यता, काका कैसे हो आप, और आपके घुटने का दर्द ठीक हुआ? अरे बेटा क्या बताऊं, आजकल पानी की बड़ी समस्या है, लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, घंटों खड़ा रहना पड़ता है, और घुटनों की हालत तो बड़ी खस्ता है बेटा। अब तो तुम बड़ी राजकुमारी बन गई ना, तुम अपने बड़ों से कहो ना कि वो कुछ करें हमारे लिए, एक तुम ही हो जो हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचा सकती हो बेटा। ठीक है काका, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं जरूर करूंगी। खुश रहो बेटा, मालिक तुम्हें अच्छा रखे। इस सभा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार ने हमसे हमारे खिताब छीन लिए, लेकिन हमारा रुतबा वो हमसे नहीं छीन पाई। ये महासभा भी उसी बात का प्रमाण है कि आज भी ये संगठन हमारे लिए और हमारी रियासत के लिए किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा प्रभावशाली है। राजमाता मृणालिनी देवी के हम सब आभारी हैं कि उन्होंने इस सभा का आयोजन इतनी शानदार तरीके से किया। मृणालिनी देवी ने सिर्फ उनकी रियासत के लिए नहीं बल्कि पूरी देश के लिए बहुत समाज सेवा की है। आज भी उनके नाम के कॉलेज और स्कूल हैं। आज भी वो तो सब ठीक है मृणाली देवी, लेकिन आपकी पोती ने जो किया ना वो सब देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ। हम सब आपको हमेशा गर्व से देखते हैं, लेकिन आपकी पोती की हरकतों ने ना हम सब का सर शर्म से झुका दिया, और उसने न्यूज में जो स्टेटमेंट दिया बस उसकी वजह से तो सारी जनता रजवाड़ों को जालिम समझने लगी है। हमने वक्त रहते मामले को संभाल लिया महाराज। चिक्की कहाँ थी तू? काम पर, और कहाँ इतनी देर? वो आजकल मैं और सुनी ओवरटाइम कर रहे हैं, आकाश के मम्मी पापा को भी हम दोनों ही संभाल रहे हैं, इसलिए अब तक उन लोगों को भी आकाश की कोई खबर नहीं मिली। पागल है क्या? अगर हम लोगों को कुछ पता लगता तो हम तुझे नहीं बताते क्या? हम सब तो यहाँ तेरे भरोसे बैठे हैं मोनिया, आकाश की मम्मी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तू चल और खुद ही देख ले। संभाल तो लिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मान्यता दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी? मृणाली देवी, इस कमरे में हम सब अपने अपने वारिसों को लेकर आए हैं, इन्हें देखिए,
और फिर आप अपने युवरानी सा के बारे में सोचिए, क्या वो इन सब के साथ उठने बैठने के काबिल है? ये तो आप कब से कहती आ रही कि आप मान्यता को एक अच्छी राजकुमारी बनाकर महासभा में पेश करेंगी, लेकिन उस दिन हमने टीवी पर जिस मान्यता को देखा वो तो किसी भी सभा में पेश करने के लायक नहीं है। महासभा तो बहुत दूर की बात है। आकाश, आकाश बेटा, आकाश। मोनिया, तू ले आई आकाश को? कहाँ है वो? मोनिया, तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू आकाश को ढूंढ कर लेकर आएगी, तो इतनी बड़ी राजकुमारी है, कुछ कर ना। मैं कोई राजकुमारी वाजकुमारी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ आप लोगों की तरह। हाँ हाँ मोनिया, मुझे पता है कि तू कितनी आम है, लेकिन जब तक आकाश नहीं मिलता आंटी जी की थोड़ी सी मदद कर दे, यहाँ पैसों का सबको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। तो घर जाके ले मोनिया, मैं और सोनी पूरे साल ओवरटाइम कर करके मर जाएंगे, तो भी अपने घरों के साथ आंटी जी का घर नहीं चला पाएंगे। खर्चा के लिए आऊं? क्या बात है मोनिया, कुछ हुआ है क्या? हम जानते हैं कि आप सब हमसे थोड़े नाराज हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि हम सब एक बड़ा परिवार हैं, और परिवारों के बीच थोड़ी बहुत नाराजगी इस बात का सबूत है कि ये रिश्ते असली हैं। हम सबको एक दूसरे के सुख दुख से वाकई फर्क पड़ता है। 16 साल पहले हमारे परिवार में एक भूचाल आया था, उसकी थरथराहट हम आज भी महसूस करते हैं, मगर हर बादल के पीछे सूरज की किरण छुपी हुई होती है। हमें यकीन है एक दिन ये बादल भी छट जाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ सिर्फ हमारे बेटे ब्रजराज ही नहीं, हमारी बहू कोमल ही नहीं, बल्कि जयगढ़ के महाराज गिरिराज भी हैं। उनके होनहार बेटे युवराज उदयवीर सिंह भी है। बाकी फैसला आप सबके हाथों में है, और ये फैसला महासभा का भविष्य बदल सकता है। आपका वोट बहुत कीमती है, सोच कर डालिएगा। मैंने सोचा था कि अगर मैं आऊंगी तो मुझे आकाश के बारे में कुछ पता चलेगा, पर यहाँ आकाश के बारे में कोई कुछ नहीं जानता मोनिया, सारे जवाब तो तेरे महल में ही हैं। सब लोग अपने हालात से बहुत परेशान है मोनिया, सिर्फ तेरा ही सहारा है उनको। तू तो देवगढ़ की राजकुमारी है ना, आकाश को ढूंढना सिर्फ तेरे बस की बात है। वक्त आ गया है निर्णय लेने का, मतदान करने का। तो अब
मतदान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। बेटा अपने परिवार के पास जा, पर मोनिया नहीं, मान्यता बनकर, क्योंकि एक आम इंसान की आवाज तब भी सुनाई देती है जब कोई ताकतवर इंसान उसके साथ हो। जा अपनी ताकत, अपना हक वापस ले और फिर उसी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे मेरा बेटा लौटा दे। मोनिया, मुझे मेरा बेटा लौटा दे। आंटी जी, मैं वादा करती हूँ आपसे, अब से मेरा सारा बचपना बंद, मेरे सारे ड्रामे बंद, आपसे मैं वही करूंगी जो मेरा परिवार मुझसे चाहता है, जो मेरा आकाश मुझसे चाहता है। और अब मैं देवगढ़ की राजकुमारी मान्यता बनकर दिखाऊंगी। माता जी, आपको 16 सालों से जिस वारिस की तलाश थी, मैं वो राजकुमारी बनकर ही दिखाऊंगी।